हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे बेबी डोज कॉइन के बारे में, साथ ही साथ लवली नू के बारे में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्या ये जीरो किल करने वाले हैं 2023 के अंदर, तो इन सारे फैक्टर्स पर हम बात करेंगे डिटेल में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं मार्केट का जो हाल है वो लगभग कहीं ना कहीं स्थिर सा है, अगर टर्म्स में बात किया जाए मार्केट कैप के, जैसा कि 1.05 ट्रिलियन, जो कि पॉजिटिव सिंबल है, क्योंकि दिसंबर के में जो हमने जैसे कि बात की थी या जो प्रिडिक्ट किया था, सेम वैसा ही इंक्रीमेंट हमें जनवरी के मंथ में नज़र आया। और जैसे कि आज 1 फरवरी है, तो काफ़ी कुछ होने वाला है। बेबी डोज में भी एक अपडेट है, बर्निंग होने वाली है, जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी ट्वीट करके वो चीज़ बता भी दी है। अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सोलाना है वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर रिसेंटली 2 दिनों में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। और उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो एंड में आपको एंड स्क्रीन पर उसका वीडियो मिल जाएगा, आज ही अपलोड किया था, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल सीधा चलते हैं अपडेट्स की ओर, जैसा कि बेबी डोज कॉइन पर बात कर लेते हैं। तो अगर आप बेबी डोज कॉइन की जो प्राइस है उस पर भी, हालांकि मीम कॉइन्स है, तो इस तरह का ग्राफ जो है, इस तरह की जो प्राइस इंक्रीमेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो एक ट्रेंड था कहीं ना कहीं मीम कॉइन्स का, जो कि 2022 में पूरा खत्म हो गया है, कि ट्विटर पर जैसा कि कुछ जो टोकन्स हुआ करते थे कहीं ना कहीं, जैसे कि बेबी डोज हो गया, सेतामा हो गया, सिंजा जो कि काफ़ी फेमस हुआ था लेकिन बिल्कुल डेड हो गया, उसका नया वर्जन आया फिर भी उसका कोई मतलब अभी तक कोई फायदा नहीं हो रहा है होल्डर्स को, तो जो ये ट्रेंड था कहीं ना कहीं किसी की बात कर लो, तो ये सब कुछ खत्म सा हो गया था। लेकिन अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एंगेजमेंट के मामले में बेबी डोज कॉइन में काफ़ी गजब की हाइप देखने को मिली है पिछले 3 दिनों से। और एक प्राइस फैक्टर भी अगर आप देखोगे तो पिछले 7 दिनों में जैसे मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, पर्टिकुलरली कुछ प्रोजेक्ट्स, तो मीम कॉइन्स में भी काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं, कुछ प्रोजेक्ट काफ़ी नए हैं, उनमें एक तेज़ी नज़र आई है कहीं ना कहीं प्राइस के टर्म्स में। और ये एक पॉजिटिव सिम्टम्स भी है कि वापस से अगर हाइप आती है तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा। और अगर मीम कॉइन्स का प्राइस बढ़ेगा, अल्टकॉइन कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ओवरऑल बिटकॉइन जो इथीरियम है और कहीं ना कहीं क्रिप्टो है वो ऊपर जाएगा, और वही चाहिए हमें 2023 में। अगर ऐसा धीरे धीरे भी अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूवमेंट करता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फिलहाल अगर बेबी डोज कॉइन आपने होल्ड किया हुआ है तो आपको कॉन्फिडेंस रहना है, इसका रीज़न काफ़ी सारे मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि बेबी डोज कॉइन जो है स्टार्टिंग से ही अगर आप देखोगे तो हाइप के चलते ही कहीं ना कहीं, और होल्डर्स के इंक्रीमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन्हीं के चलते इसके प्राइस में कभी उतार कभी चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन रिसेंटली जैसा कि बेबी डोज स्वैप जो आया था फर्स्ट यूटिलिटी, तो अभी फिर से इन्होंने एक यूटिलिटी की बात की, इनको जैसे ही लगा कि बर्निंग का जो इनका जो मंथली ये करते थे स्टार्टिंग से ही, इन्होंने बीच में बंद कर दिया, और उसकी वजह से इनकी जो फेम थी कहीं ना कहीं, जो ट्विटर पर एक ट्रेंड बना रहता था लगातार बेबी डोज को, इनका हैशटैग बेबी डोज वगैरह, वो सब कहीं ना कहीं हल्का पड़ गया था। और वो चीज़ इन्होंने पिछले 2 महीनों में ही चालू किया था, और जैसा कि आप देख सकते हो ट्वीट 2 घंटे पहले इन्होंने किया कि फर्स्ट ऑफ मंथ टाइम टू बाई बैक एंड बर्न। अब बाई बैक होता है तो डेफिनेटली प्राइस में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आना बनता है, और जो कि दिखेगा 7 PM EST, तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, मतलब आज रात को लगभग 10-11 बजे के आसपास आप देख सकते हो कि ये बर्निंग हमें लाइव होती हुई नजर आएगी बेबी डोज कॉइन के अंदर। अब जैसा कि बेबी डोज बर्न पोर्टल जो इन्होंने नया क्रिएट किया था, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेबी डोज कॉइन की जो लाइव बर्निंग हो रही है वो कैसे हो रही है, थ्रू ट्रांजेक्शन और थ्रू जैसा कि ये बर्न कर रहे हैं मंथली बर्न पे, तो उससे सारा कुछ पता हमें चलता रहेगा। और वो जो है 3 फरवरी को रिलीज होने वाला है और AMM होने वाला है। इसमें इन्होंने साथ ही साथ एक गिव अवे भी किया है जो कि है $250 का आफ्टर AMA टू 1 पर्सन, जो भी उसको ज्वाइन करेगा, रिट्वीट करेगा इस ट्वीट को, तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। और डेफिनेटली अगर आपने कोई भी आपकी होल्डिंग है, आपके अगर पोर्टफोलियो में कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी टोकन है, तो डेफिनेटली उसके बारे में उसको सपोर्ट करना ये आपका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और ज़्यादातर अपन जिस भी टोकन्स की बात करते हैं खासकर इसी चैनल पर, तो वो सभी मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं और मैं उनके रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस हूँ। कुछ टोकन्स हैं जहाँ पर मुझे अभी भी रेड सिग्नल मिल रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, मुझे मैं भी लॉस में हूँ लेकिन मुझे स्टिल पता है कि क्रिप्टो ऊपर जाएगा और मुझे बेनिफिट होगा ही होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर मुझे बेनिफिट होना शुरू भी हो चुका है, और थोड़ा सा एक टैगलाइन है मतलब कि जहाँ पर भी मैंने लिमिट्स ऑर्डर लगा रखा है, तो वो जैसे क्रॉस होगा तो डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट भी बुक होता रहेगा। और होल्डिंग्स तो ऑलवेज, जैसा कि लवली इनू की बात कर लो, बेबी डोज कॉइन की बात कर लो, सिबा इनू की बात कर लो, या फिर बात कर लो बिटगट की, किसू इनू की, तो इनमें डेफिनेटली मैं होल्ड करके भी रखूंगा हमेशा FD की तरह, क्योंकि मुझे पता है कि इनका फ्यूचर ब्राइट रहने ही वाला है। लवली इनू की अगर बात कर लें तो काफ़ी कमेंट्स मुझे मिलते हैं जब भी लवली इनू की वीडियोज़ बनती हैं, तो एक टाइम था मैं खुद इसको शुरुआत से ही फॉलो कर रहा हूँ 2021 से, जब से ये लॉन्च हुआ है, तो मुझे काफ़ी टाइप के कमेंट्स मिलते हैं, कभी ट्वीट भी मिले हैं, और कुछ ना कुछ लोगों का जैसे कि टेलीग्राम से स्टार्टिंग में जब ये एक्टिव था टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर भी।
जैसा कि ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इशू रहा है लवलिनो इकोसिस्टम के अंदर, शुरू से ये देखने को मिला है। तो उसका कहीं ना कहीं एक ब्लेम होता था कि यार सर्कुलेटिंग सप्लाई का कोई आइडिया नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, ये ऑडिट नहीं है। इन्होंने ऑडिट भी करवा दिया, भले वो किसी भी तरह से कराया हो, इन्होंने कुछ चीज़ें 2022 में ज़्यादातर करवाई हैं जिसका असर इसमें काफ़ी कुछ देखने को नहीं मिला है, बिकॉज ऑफ बियर रन वो भी है। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई अब वेरीफाइड हो चुकी है काफ़ी पहले, इसकी रिगार्डिंग ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ये वापस से एक्टिव कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यूटिलिटी वाइज या फिर कहीं ना कहीं जो इसकी पार्टनरशिप हुई, अभी देखिए इसकी पार्टनरशिप भी जो अभी हुई है रिसेंटली 3-4, उसमें से इसकी एक पार्टनरशिप हुई है OKX एक्सचेंज के साथ। आप खुद ही सोचिए कितना बड़ा एक्सचेंज है वो। अगर आप CoinGecko के हिसाब से देखोगे तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, मतलब यूजर्स वाला, यूजर बेस वाला, ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला वो एक्सचेंज है। उसके साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है, साथ ही साथ बिटगर्ड जिस जो कि फिलहाल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ इसकी पार्टनरशिप है। और साथ ही साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है कि ये डेफी कैटेगरी से बिलोंग करता है और कुछ ही दिनों में काफ़ी जल्दी हमें देखने को मिलेगा। डेफिनेटली जैसे इसकी ब्लॉकचेन खुद की लॉन्च होगी तो लवली इनो फाइनेंस ये कॉइन बन जाएगा, ये रैंक है वो काफ़ी ऊपर आ जाएगी, 600 700 800 भी आ सकती है जैसे इसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाने लगेगा, और वो श्योरली होने वाला है। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन इसकी प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डाउन आ रही है, कहीं ना कहीं रुकी हुई है, मूवमेंट काफ़ी कम नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है फिलहाल के टाइम पे कि बाकी टोकन्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा है। अच्छे अच्छे अल्ट कॉइन जैसा कि XRP की बात कर लो, सोलाना की बात कर लो, ये ऊपर जा रहे हैं लेकिन लवलिनो में कोई मतलब उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर आप इसका ट्विटर भी देखोगे तो वहाँ पर भी ये बैक टू बैक ट्वीट्स वगैरह नहीं कर रहे हैं और कुछ खास ऐसी अपडेट्स हैं नहीं, जैसा कि लवली लॉन्च पैड को रिगार्डिंग इन्होंने इनके जो लास्ट ट्वीट थे इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। गुड न्यूज़ यही थी कि जो रैंक था CMC पर रैंक था वो इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई, इन्होंने वेरीफाइड करवा दिया था। धीरे धीरे काम हो रहा है, भले ही किसी भी तरीके से ये कर रहे हूँ लेकिन काम हो रहा है और इनके जो फॉलोवर्स हैं, कम्युनिटी है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो लवली इनो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली मैं इसको मानता हूँ अभी भी, जो 100x तक का भी प्रॉफिट देने को कैपेबिलिटी रखता है अगर आप इसको होल्ड कर पाते हो। अदरवाइज आप अगर ट्रेडिंग के लिए भी अगर इसको यूज़ करते हो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए भी, तो कभी भी ये ATS को टच कर सकता है। जस्ट इसको चाहिए 2-3 अपडेट्स, जैसा कि बिटगर्ड में अभी बर्निंग का अनाउंस हुआ है, वैसा कुछ अनाउंसमेंट अगर लवलिनो में होता है तो ATS डेफिनेटली ये टच कर लेगा, या फिर कोई बड़ी लिस्टिंग, साथ ही साथ ब्लॉकचेन। तो ये सारी चीज़ें ऑन द वे हैं मुझे ऐसा लगता है और कभी भी अनाउंस की जा सकती है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी। और किसी पर्टिकुलर टोकन पर अगर आपको चाहिए कुछ रिव्यू अपडेट्स वगैरह तो वो कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं बस किसी अनदर वीडियो में, फिलहाल के लिए था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मस्ट, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिले। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।